तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हमारे दोस्त फुल एचडी में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करें। चैप्टर नंबर आपका दोस्त 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है आपका दोस्त कि कौन सा अस्मोलेस्क एटायन है निम्नलिखित में से। देखिए दोस्त, ये मेरा सोडियम आयन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 आता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 आता है, मैग्नीशियम क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो मैग्नीशियम आयन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, एल्युमिनियम क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो एल्युमिनियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो एटॉमिक का साइज छोटा होगा, मतलब परमाणु का साइज छोटा होगा। तो एटॉमिक नंबर इन तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एल्युमिनियम का ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम आयन आपका फुल एचडी में करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्त क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलते हैं दोस्त पीरियोडिक टेबल में पीरियड का कुल संख्या होता है। तो एक पीरियोडिक टेबल में दोस्त टोटल 7 पीरियड होता है, टोटल 18 ग्रुप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी आपका 7 फुल एचडी क्या होगा करेक्ट। अब हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में होता है। तो वर्टिकल कॉलम को दोस्त हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप हम लोग का दोस्त 18 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी 18 आपका फुल एचडी में क्या हो गया करेक्ट। अब दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट के पास सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन को लव करने का। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोस्त हमारा आर्गन के पास होता है। आर्गन ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना तो गेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी आपका आर्गन फुल एचडी क्या हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 बोलते हैं दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट के पास सबसे आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी होता है। तो यहाँ पर दोस्त ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ पर पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है क्लॉकवाइज स्पिन में। पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और पी सबसेल में 3 ही ऑर्बिटल होता है दोस्त यहाँ पर। तो सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा दोस्त वह हमारा 45 का ऑप्शन नंबर बी होगा 1s2 2s2 2p6 3p1। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्त सही है। क्वेश्चन नंबर 46 से बोलता है आपका दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल होता है नेचर में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्त हमारा न्यूट्रल होता है हमेशा नेचर में। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। देखिए दोस्त यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। कॉपर भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो कॉपर भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था कैल्शियम भी आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। सीजियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो सीजियम भी एक तरह का इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। अब देखिए दोस्त हमारा सोडियम मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है। कॉपर मेरा दोस्त ग्रुप 11 का एलिमेंट है। कैल्शियम हमारा ग्रुप टू का एलिमेंट है। अब सीजियम देखिए दोस्त हम जानते हैं ग्रुप 1 में रहने वाला एलिमेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम उसके बाद कौन आता है सीजियम। तो सीजियम का साइज दोस्त बहुत बड़ा होता है। तो सीजियम का न्यूक्लियस को उसके इलेक्ट्रॉन पर पकड़ ना के बराबर होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होता है आसान। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हमारा दोस्त सीजियम कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी आपका सीजियम फुल एचडी में करेक्ट होगा। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप धारण करता है मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल को। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी आपका होगा दोस्त ग्रुप नंबर 14। देखिए तो ग्रुप 14 में आने वाला एलिमेंट है आपका कौन, सी, गीत, सुनाऊ, प्रभु, जहां पर कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका मेटलॉइड है, टीन और लेड आपका दोस्त मेटल है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी ग्रुप 14 आपका दोस्त सही है। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। क्वेश्चन 49 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है। सबसे पहले जानेंगे दोस्त कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है, सर्कुलर रास्ता सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं उसी को दोस्त आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी दोस्त हमारा फुल फील्ड ऑर्बिटल का होता है। उसके बाद फुल फील्ड ऑर्बिटल का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तुलना में, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है आपका इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर दोस्त हम लोग 49 पर है ना। क्वेश्चन नंबर 49 के देखिए दोस्त यहाँ पे ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये मेरा 3s1 है दोस्त। ए सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर ऑलरेडी तीन इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया मेरा इनकम्प्लीटली फॉर्ड ऑर्बिटल, योग्य मेरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल। पी सबसेल में चार इलेक्ट्रॉन है, योग्य इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। पी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है, योग्य इनकम्प्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो हम लोग जानते हैं कि फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल है, उसके बाद हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल, उसके बाद इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, जहाँ पर 3p3 आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अनु दोस्त क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपका बोलता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ए सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल और ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा कौन सा सेल का होता है। देखिए दोस्त यहाँ पे ए सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल, पी सबसेल का शेप होता है डम्बल, डी सबसेल का शेप होता है डबल डम्बल और एफ सबसेल का शेप होता है आपका कॉम्प्लेक्स। तो ए सबसेल का साइज छोटा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर देखिए दोस्त यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। सो एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है, सर्कुलर रास्ता क्या बोलते हैं सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो वैले आउटर सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अंदर में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया जाता है उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा SPDF, मतलब ए सबसेल का रिपल्सन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है पी सबसेल की तुलना में, और पी सबसेल का रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डी सबसेल की तुलना में, और डी सबसेल का रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होता है एफ सबसेल की तुलना में। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्त फुल HD में करेक्ट है। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट बना हुआ होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा दोस्त डी ब्लॉक जो होता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेटल पाया जाता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में रहने वाला जो एलिमेंट होता है वह हमारा कैटेलाइटी प्रॉपर्टीज जैसे गुण करता है, मतलब हमेशा कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है। जैसे कैटलिस्ट के रूप में हम लोग दोस्त निकेल का यूज करते हैं, प्लेडियम का यूज करते हैं, प्लेटिनियम का हमेशा यूज करते हैं। यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी आपका मैनी मेटल्स विथ कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी आपका फुल HD क्या हो गया करेक्ट। इस तरह आपका दोस्त फुल HD में 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।